हल्द्वानी से बड़ी खबर, मैराथन दौड़ में हुआ हंगामा। हल्द्वानी में आज थी मैराथन दौड़, नारेबाजी करते हुए जमकर हुआ हंगामा। आयोजक के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज। हल्द्वानी में नशे के खिलाफ रन फॉर नेशन मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, लेकिन मैराथन दौड़ में हंगामा हो गया। आपको बता दें कि हल्द्वानी के MBPG कॉलेज से मैराथन दौड़ शुरू होनी थी, जिसमें काफी संख्या में स्कूली बच्चे हल्द्वानी के MBPG कॉलेज पहुंचे, लेकिन वहां की अव्यवस्था देख वहां पहुंचे बच्चे और उनके अभिभावकों में काफी नाराजगी देखने को मिली, जो कि इतनी बढ़ गई जिसमें बच्चों ने रोड में ही बैठकर आयोजक मंडल के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जमकर हंगामा कर दिया। खास बात यह सामने आई कि दौड़ में प्रतिभाग कर रहे हर बच्चे से 50 से लेकर 500 तक का शुल्क मांगा गया था, जिसमें बच्चों को रिफ्रेशमेंट और जीतने पर प्राइज भी दिए जाने की बात कही गई थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, जिससे बच्चों में काफी नाराजगी देखने को मिली। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस मामला बिगड़ता देख मैराथन दौड़ के आयोजक मिथुन जायसवाल को अपने साथ ले गई, जहां नैनीताल SSP पंकज भट्ट ने उसके खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। ये चीटिंग कर दी ने। क्या करा बेटा? पहले हम पांचवे नंबर पे हार गए, कहते जज है नहीं, सब लोग ट्रैक काट दे रहे हैं। साइकिल वाले कुछ दे तो देते। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।